हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, कुल सोलेनेसी, जिसे आलू या मकई कुल भी कहा जाता है। फैमिली सोलेनेसी, जिसे आलू या मकई कुल भी कहा जाता है, अगर आप पैंथम एवं हुकर का वर्गीकरण विधि पढ़े हुए हैं तो इसे समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुल सोलेनेसी क्या है। ठीक है, बेंथम एवं हुकर के अनुसार, बेंथम एवं हुकर ने एक वर्गीकरण किया, उसके अनुसार हम कुल सोलेनेसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, वर्गीकृत स्थिति देखेंगे कि बेंथम एवं हुकर ने इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया। पहले इसे प्रभाग में बांटा, जिसे डिवीजन कहा जाता है। तो इसे किस प्रभाग में बांटा? फेनरोगैम्स। किस प्रभाग में? फेनरोगैम्स। फिर इसे वर्ग में बांटा, जिसे इंग्लिश में क्लास कहा जाता है। तो सोलेनेसी कुल को किस क्लास में रखा, किस वर्ग में रखा? डाइकोटिलीडंस। ठीक है, फिर इसे उपवर्ग में बांटा, सब क्लास। तो सोलेनेसी कुल को किस उपवर्ग में रखा? गैमोपेटली में रखा। फिर इसे बांटा सीरीज में, श्रेणी में। तो सोलेनेसी कुल को किस श्रेणी में रखा? बाइकार्पेलेटी। गण देखेंगे, ऑर्डर। सोलेनेसी को किस गण में रखा गया है? पॉलीमोनियल्स। कुल देखेंगे, कुल तो वही है ना सोलेनेसी। अब देखेंगे वितरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस कुल को बैगन कुल, ब्रिंजल फैमिली या तंबाकू कुल, टोबैको फैमिली भी कहा जाता है। किस कुल को? सोलेनेसी। सामान्यतः इस कुल के पौधे विश्वव्यापी, मतलब सभी जगह मिलते हैं। किस कुल के पौधे? सोलेनेसी कुल के पौधे सभी जगह विश्व के सभी क्षेत्र में मिलते हैं, तथा उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं, तथा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। विश्व भर से लगभग 90 वंश, जेनेरा एवं 2800 जातियां, स्पेसिस इस कुल के अंतर्गत खोजी जा चुकी है। इसमें से 15 वंश एवं 90 जातियां भारतीय क्षेत्र में मिलती है। क्या कहा गया है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लगभग 90 वंश, जेनेरा एवं 2800 जातियां, स्पेसिस इस कुल के अंतर्गत खोजी जा चुकी है। और 90 वंश और 2800 जातियों में 15 वंश एवं 90 जातियां भारतीय इंडिया में पाई जाती है। सोलेनम इस कुल का सबसे बड़ा वंश है। सोलेनेसी कुल का सोलेनम सबसे बड़ा वंश है, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग 1700 जातियां आती है। अब अपन क्या देखेंगे? वृद्धि लक्षण किसके? सोलेनेसी कुल के। ठीक है, पहला में है प्रकृति। सोलेनेसी कुल की प्रकृति कैसी है, हैबिट कैसी है देखेंगे। ठीक है, प्रायः पौधे शाकीय, पेटूनिया, विथानिया, आलू, बैगन, कुछ पौधे झाड़ी नुमा या श्रूप प्रकृति के ब्रून फेलिशिया या वृक्ष होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो सोलेनेसी कुल है उसके पौधे शाकीय होते हैं। शाकीय मतलब समझते हो, जिसमें काष्ठ नहीं पाया जाता, लकड़ी नहीं पाया जाता, उसको शाकीय कहा जाता है। ठीक है, पेटूनिया, विथानिया, विथानिया क्या है? अश्वगंधा को कहा जाता है। और पेटूनिया जिसमें पुष्प होते हैं उसे पेटूनिया कहा जाता है। आलू, बैगन, कुछ पौधे झाड़ी नुमा या श्रूप प्रकृति के ब्रून फेलिशिया प्रजाति है, या वृक्ष, वृक्ष में तो जानते हो पेड़ होते हैं।
अब देखेंगे अपवाद स्वरूप कुछ पौधे लता प्रकृति वाले लाइशियम साइनेंसिस होते हैं। अपवाद स्वरूप मतलब होता है जो बहुत ही कम होते हैं, एकाध दो, उसे अपवाद स्वरूप कहा जाता है। तो जो एकाध दो पौधे हैं वो लता प्रकृति वाले होते हैं। पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय प्रकृति वाले होते हैं। पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय प्रकृति वाले होते हैं, मतलब इनका जो जीवन काल है, जीवन चक्र है, वो किसी का एक वर्ष का होता है, किसी का दो वर्ष का होता है, किसी का बहुत सारे वर्ष का होता है। ठीक है। सोलेनम वंश के अंतर्गत शाख, श्रूप एवं वृक्ष तीनों आते हैं। जो सोलेनम वंश है, सोलेनेशी कुल का सोलेनम वंश है, जो उसके अंतर्गत, उसके अंदर शाख, श्रूप एवं वृक्ष तीनों आते हैं। अब देखेंगे जड़, जिसे इंग्लिश में रूट कहा जाता है। शाखित मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी कुल में पाया जाता है। और शाखित मूसला जड़ किसे कहते हैं? जिसमें जड़ में एक केंद्र होता है जो मोटा होता है, वहाँ से बहुत सारी जड़ें निकलती है जो आगे जाकर पतली होती जाती है, उसे शाखित मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। अब देखेंगे तीसरा नंबर तना, जिसे इंग्लिश में स्टेम कहा जाता है। वायवीय ऊर्ध्व शाखित शाकीय अथवा काष्ठीय बेलनाकार रोमिल होता है। किसका तना होता है? सोलनेशी कुल का। ठीक है। आलू में तना का कुछ भाग भूमिगत होता है। आलू जमीन के अंदर कंदित होती है, भूमि के अंदर कंदित होती है, इसलिए उसके तने का कुछ भाग होता है वो जमीन के अंदर होता है, तथा उससे निकली शाखाओं के शीर्ष, जो ऊपर के शीर्ष होते हैं, वो भूमि की सतह से नीचे के भोज्य पदार्थों का संग्रह, भूमि के अंदर के भोज्य पदार्थों का संग्रह कर उसको इकट्ठा कर कंदित रचना में रूपांतरित हो जाता है। जो आलू बनता है वो भूमि के अंदर भोज्य पदार्थों को क्या करता है? इकट्ठा करता है और कंदित हो जाता है, फिर वो आलू बन जाता है। ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर पत्ती, जिसे इंग्लिश में लीव कहा जाता है। सोलेनेशी कुल की पत्तियां कैसी होती है देखेंगे। अनुपत्री, स्ववृंती अथवा अवृंती, सरल लेकिन आलू में संयुक्त होती है। प्रायः एकांतर पुष्पीय क्षेत्रों में स्थित पत्तियां अभिमुख प्रकार से विन्यासित होती है। सीरा विन्यास जालिकावत प्रकार का होता है। हम देखेंगे पुष्पीय लक्षण। इससे पहले क्या देखें? वृद्धि लक्षण। किसके? सोलेनेशी कुल के। पुष्पीय लक्षण फ्लावरल कैरेक्टर्स, मतलब फूलों के लक्षण देखेंगे। पहला नंबर पे है पुष्प क्रम। पुष्प के क्रम कैसे हैं, फूल के क्रम कैसे हैं, ये देखेंगे। इसमें पुष्प क्रम ससिमाक्ष या रूपांतरित ससिमाक्ष प्रकार का होता है। कैसा होता है? ससिमाक्ष या रूपांतरित ससिमाक्ष प्रकार का होता है। धतुरा जानते हो, जिसमें नशा होता है, तथा निकेंड्रा में एकल कक्षस्थ, सोलेनम तथा एट्रोपा बोलाडोना में एक शाखी ससिमाक्षी, तथा अश्वगंधा में छत्रक ससिमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जो ये धतूरा और निकेंड्रा है वो क्या है? प्लांट है, पौधा है। ठीक है। उसमें एकल कक्षस्थ मतलब एक ही कक्षा होती है। सोलेनम क्या है? एक वंश है, तथा एट्रोपा बोलाडोना भी एक वंश है जिसमें एक शाखी ससिमाक्षी होता है, तथा अश्वगंधा भी एक मेडिकल प्लांट है, मतलब औषधीय पौधा है जिससे दवाइयां बनाई जाती है, में छत्रक ससिमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है।
अब देखेंगे दूसरा पुष्प फ्लावर जिसे फूल भी कहा जाता है। अनिपत्री या निपत्री, संवृंती, पूर्ण द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं, सेक्सुअल होता है, उसे द्विलिंगी। त्रिज्या समेत जयांगोधर, हायोशाइमस नाइजर तथा साल्पिग्लोसिस में विषम सम्मित होते हैं। जो हायोशाइमस नाइजर और साल्पिग्लोसिस के जो फ्लावर होते हैं वो विषम सम्मित होते हैं। विथानिया कोएगुलेंस में पुष्प एक लिंगी होते हैं। जो विथानिया कोएगुलेंस के जो फ्लावर होते हैं उसमें एक ही लिंग होता है, या तो नर या तो मादा। और जो दो लिंगी फ्लावर होते हैं, जैसे गुड़हल का फ्लावर, उसमें दो लिंग पाया जाता है, नर एवं मादा। कभी डिसेक्शन करके देखना, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं गुड़हल के फूल का डिसेक्शन करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। पुष्प पंचतई होते हैं। अब देखेंगे तीसरा नंबर, फल एवं बीज। फूल में फल भी लगते हैं और बीज भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कुल के पौधों में बेरी या कैप्सूल प्रकार के फल विकसित होते हैं। किस कुल में? सोलेनेशी कुल में। जो सोलेनेशी कुल के जो पौधे हैं उसमें बेरी या कैप्सूल प्रकार के फल विकसित होते हैं। बीज भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।